हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं फिश करी। तो इसके लिए हम फिश को अच्छे से वॉश कर लिए हैं और जितना भी इसमें डर्ट था वो हम सारे निकाल लिए हैं और अच्छे से धो लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। नमक और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक हल्दी हम इसमें मिला लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्स को हम हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और इसको हम उछल उछल के भी कर सकते हैं। अब हम गैस ऑन कर देंगे और कढ़ाई में तेल ले लेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने तक वेट करेंगे। अब हम एक एक करके सारे फिश को फ्राई कर लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद रखिए दोस्तों, तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम फिश उसमें डालेंगे ताकि फिश कढ़ाई से चिपके ना। अगर तेल गर्म होने के पहले ही हम फिश डाल दिए तो वो फिश कढ़ाई से चिपक जाएगा और फ्राई करने में बहुत ही परेशानी होगी। अब हम मसाले को तैयार कर लेंगे। उसके लिए अब हम ले लेंगे लहसुन, अदरक, एक प्याज और दो लाल मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च ले लेंगे। इस फिश को अच्छे से कुक करने के लिए काली मिर्च बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिश अच्छे से फ्राई होने के बाद हम उसे पलट देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए। फिश फ्राई होने के बाद हम इसे एक बर्तन में उतार लेंगे। सर की जो भाग था वो अच्छे से फ्राई नहीं हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ी देर इसे और रख दिया। अब हम इसे उठा लेंगे। मेरे पास और भी छोटे छोटे फिश था, उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। जो मसाला हमने तैयार किया था उसी को कढ़ाई में देकर हमने अच्छे से भून लेंगे। स्वाद अनुसार नमक हल्दी दे देंगे। अब मसाले को अच्छे से पका लेना है ताकि इसमें से सारी कच्चापन चला जाए। मसाले को अच्छे से भुनने के वक्त हम तेल आने की वेट करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम मसाले को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। ताकि इसमें से जो भी कच्चा पान था वो निकल जाए। मसाले को हम जितने देर से पकाएंगे टेस्ट उतनी ही अच्छी हो गई। मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम पानी ऐड कर देंगे। जितने भी ग्रेवी चाहिए उतना अनुसार हम पानी ऐड करेंगे। अब
अब हम रुकेंगे पानी में उबाल आने तक। उबाल आने के बाद हम सारे फ्राई किए हुए फिश इसमें डाल देंगे। और थोड़ी देर उबालने तक हम इसे पकाएंगे। अच्छे से इसे बॉयल कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे एक बर्तन में उतार लेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा फिश करी तैयार है। और थोड़ी बहुत जो हमने छोटी फिश रखी थी उसको हम फ्राई करके ही रखा है, उसे हम फ्राई ही खाएंगे। Enjoy your dish. Please like, share and subscribe.